एक तारीख थी। पति अपनी सैलरी लेकर शाम को थका हुआ घर आया। पत्नी इसी इंतजार में थी कि कब पति आएगा। पत्नी ने उसके आते ही उसे गर्मा गर्म चाय पिलाई और पूछा कि सैलरी आ गई होगी आपकी आज तो। पति मुस्कुराहट के साथ बोला कि हाँ, और इस महीने ओवरटाइम का 12,000 रुपए बोनस भी मिला है। पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पत्नी मीठी आवाज में बोली, क्या हम इस रविवार को शॉपिंग कराए? तो पति बोला कि ठीक है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि यदि तुम हफ्ते में कम से कम एक बार मेरी माँ से फोन पर बात कर उनका हाल पूछोगी तो। पत्नी ने दबी आवाज में हाँ कर दी। पति सिर्फ ये चाहता था कि उसकी माँ और उसकी पत्नी के बीच जो भी अनबन है वह दूर हो जाए। ठीक 2 मिनट बाद पति के मोबाइल पर माँ का फोन आया। उधर से माँ बोली, कैसे हो बेटा? बेटा बोला, माँ मैं ठीक हूँ। माँ ने सबका हालचाल पूछा तो पत्नी इधर मुंह बनाकर मन में सोच रही थी कि 1 तारीख है, अभी सैलरी आई है, इसलिए फोन करके पैसे मंगवाना चाहती है, लेकिन मैं 1 पैसा भी नहीं देने दूंगी इस बार तो। उधर माँ बोली, बेटा थोड़ी मदद चाहिए। तो बेटा बोला, बोलिए माँ, क्या हुआ माँ? बोली, बेटा इस महीने 5,000 रुपए मिल सकते हैं क्या? पति हर काम अपनी पत्नी से पूछकर ही करता था। उसने ये बात अपनी पत्नी से पूछी तो पत्नी बोली कि बोल दो कि अभी सैलरी नहीं आई है। बेटे ने माँ से कहा कि माँ अभी सैलरी आने में टाइम है। माँ बोली, बेटा कैसे भी करके भिजवा दो प्लीज, हॉस्पिटल में इलाज के लिए चाहिए। पति ने ये बात पत्नी से दोहराई। पत्नी बोली, माँ से बोल दो कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा ले। पति ने माँ को यही सलाह दी तो माँ बोली, बेटा उधर इलाज सही से नहीं होता और वह ध्यान भी नहीं रखते। इस बार तो पत्नी को गुस्सा आ गया और वह अपने पति से बोली कि बोल दो उन्हें कि हमारे सर पर पहले से इतना बोझ है और अब इससे ज्यादा हम सह नहीं पाएंगे, इसीलिए सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज करवाओ। पत्नी के शब्द बिगड़ गए ये बोलते हुए कि वैसे भी 4-5 दिन की मेहमान है। पति इस बार बोला कि ऐसे तो मत बोलो माँ के बारे में। इस बार पति को थोड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन मन को शांत करते हुए माँ से बोला, माँ इस महीने नहीं हो पाएगा, इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में ही करवा लीजिए आप इलाज। माँ उधर से भीख मांगने लगी कि बेटा प्लीज 2,000 रुपए तो दे दो। तो पति आंखों में आंसू के साथ पत्नी से बोला कि कम से कम 2,000 रुपए तो देने दो। पत्नी गुस्से में थी लेकिन जैसे तैसे मान गई और बोली कि ठीक है, बोल दो कि 2,000 रुपए भिजवा देंगे कल। तो इधर पति बोला, सासुमा आपको कल 2,000 रुपए भिजवा दूंगा। पति के मुंह से इस बार माँ की जगह सासुमा सुनते ही पत्नी को चक्कर आने लग गई, जुबान लड़खड़ाने लगी, पसीना छूट गया और पति से पूछा कि क्या ये मेरी माँ का फोन आया है? पति बोला, हाँ तुम्हारी माँ का ही फोन है, मैं तो तुम्हारी माँ को भी अपनी माँ ही समझता हूँ, लेकिन तुमने कभी मेरी माँ को अपनी माँ की तरह समझा ही नहीं। पत्नी इस बार जोर से रो पड़ी और फोन में माफी मांगने लगी कि मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो उधर से माँ बोली, बेटी यदि सिर्फ एक माँ का दिल दुखाया होता तो माफ कर देती, लेकिन तुमने तो आज एक नहीं बल्कि 2 माँ का दिल दुखाया है। यदि आज मैं तुम्हें माफ भी कर दूं तो भी ऊपर वाला तुम्हें माफ नहीं करेगा। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर ऊपर वाला भी माँ का कर्ज चुकाने आ जाए तो वो भी कंगाल हो जाए। एक माँ खुद मौत के मुंह में जाकर जिंदगी को जन्म देती है, उस माँ का सम्मान करे। माँ तो माँ होती है, उसको मरने से पहले जीते जी ना मारे। दोस्तों इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा। और दोस्तों ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।